आज की क्लास में इंशाल्लाह हम जो है इंटीग्रेशंस का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए रिडक्शन फॉर्मूलेस बोलते हैं इसको। अब रिडक्शन फॉर्मूलेस के प्रूफ्स के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना ज़रूरी है। सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूलेस क्यों यूज़ करते हो? तो जैसा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स सकता है, अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस यूज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन बड़े पावर्स आ गए जैसा पावर 5 पावर 4 है ना, तो बहुत मुश्किल आता है। इसके लिए क्या है, ये पावर्स जब बढ़ जाएंगे तो इसके लिए हम एक फॉर्मूलेस प्रूफ करते हैं जिसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूलेस। ये फॉर्मूलेस यूज़ करने से क्या है, आसानी से अपने को आंसर आता है। तो अब रिडक्शन फॉर्मूलेस में थोड़ा बेसिक्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं रिडक्शन फॉर्मूले का प्रूफ बता रहा हूँ आप लोग। दो तरीके से पूछ सकता हूँ। एक तो शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एन प्लस एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। ये तो डायरेक्ट पूछ लिया, शोरर वो तो अपन लेके ये आंसर ला ले सकते हैं, इससे थोड़ा आसानी होती। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये देते ही नहीं राइट हैंड साइड। डिराइव द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन पावर एन एक्स, इसलिए राइट हैंड साइड अपने जहन में रख लिया तो अच्छा रहता है, ऐसा आंसर लाना है आप लोग। ठीक है, तो कभी क्या हम सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है डिराइव द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन पावर एन एक्स। अब साथ में क्या देता, ऑल्सो हैंस डेड्यूस। डेड्यूस का मतलब क्या होता, जो फॉर्मूला हम प्रूफ कर दिए वो फॉर्मूला यूज़ करके। डेड्यूस यानी जो फॉर्मूला हम यूज प्रूफ कर दिए वो फॉर्मूला यूज़ करके फिर ये साइन पावर 4x या कॉस है तो कॉस पावर 5x टैन पावर 6x है ना, पूरे 6 करने अपने प्रूफ वो प्रूफ पूछता। तो उसके लिए अपने को बेसिक्स जो फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको सुकून से सुनना आप लोग। एक तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं याद है तो इसको अभी लिख के याद कर लो। पहले जो बेसिक्स बता रहा हूँ मैं याद कर लीजिए, क्वेश्चन में जाना। देखिए तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। पहली क्लास में फॉर्मूला बताया था मैं, अगर कोई नहीं देखे तो पहले इसको देख लो, लिख लो, याद कर लो। और साइन एक्स और कॉस एक्स के जब प्रूफ करेंगे हम रिडक्शन फॉर्मूलेस, उसमें ये चार पांच चीज़ों की जरूरत है, आसान चीज़ें। एक तो डेरिवेटिव्स के तीन फॉर्मूलेज होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन भी होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। और इंटीग्रेशन के सिर्फ दो फॉर्मूलेज होते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता साइन एक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के दो फॉर्मूलेज होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दो क्वेश्चंस पे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चले एक बार पूरे फॉर्मूलेज देख लीजिए इंशाल्लाह, फिर इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए लेट आई एन इक्वल्स टू सपोज कर लेना इसको। अब जितने भी प्रूफ्स यूज करना है आपको क्या प्रूफ करेंगे, पर लेट आई एन बोलकर सपोज कर लेना। अब देखिए ये जो है ना, सपोज गौर से सुनिए, सपोज ए पावर एक्स है ना, साइन एक्स और कॉस एक्स में हम क्या करते हैं, एक पावर इसका रिड्यूस कर देना, एक पावर रिड्यूस कर देना ऐसा, ए पावर एक्स माइनस वन एक जो रिड्यूस करें वहाँ पे इन टू ए ऐसा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स में पावर एक रिड्यूस करके बाजू डालना, टैन कॉट सेक कोसेक में दो पावर रिड्यूस करते हैं। तो ये मेन फर्स्ट स्टेप है, ये याद रख लेना इसको। तो कैसे करेंगे बोलिए, इसका एक पावर रिड्यूस कर दीजिए साइन पावर एन माइनस वन एक्स, एक पावर जो रिड्यूस हो गया यहाँ पे दीजिए साइन एक्स फिर डी एक्स। अब देखो इसको फॉर्मूला यूज़ करना हम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, क्योंकि दो मल्टीप्लाई हो रहे ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करना। इसका फॉर्मूला है था एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता और से सुनो। अब ये फॉर्मूला कैसे, जब पहले क्या बोले एफ ऑफ एक्स पहले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स दूसरे फंक्शन को जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स यानी साइन पावर एन माइनस वन एक्स एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की जब ये क्या है साइन एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो साइन पावर एन माइनस वन एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स यानी साइन एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का पहला स्टेप, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। अब यहाँ पे देखो इसको कंटिन्यू करो, मैं साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अभी बताया मैं, आप लोग याद रख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे अच्छा समझना भाई, देखो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ खाली साइन एक्स होता सीधा कॉस एक्स डालते थे, लेकिन इसको पावर है ना तो पावर के लिहाज से पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको और से सुनिए आप लोग, पहले इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन समझना। अभी समझाना मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन इन टू एक्स पावर एन माइनस वन। इस लिहाज से बोलिए यहाँ पे एन के पे क्या है, एन माइनस वन इन टू साइन पावर एन के बजाय क्या है, एन माइनस वन फिर एक माइनस वन। तो ये ऐसा चेंज करना पड़ेगा इसको, कैसे करेंगे इसको, पहले डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू पावर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन इन टू एक्स पावर एन फिर से माइनस वन डी एक्स, सॉरी पहले पावर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, एक्स पावर एन इज एन इन टू एक्स पावर एन माइनस वन। अब पावर छोड़ के फिर से डिफ्रेंशिएट करना, तो बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, फिर सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो फिर माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो सिर्फ ये अंदर का प्रूफ करते हैं ना, इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसको एज इट इज लिखो, अभी कुछ भी करना नहीं है। देखो खाली साइन लाल इधर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स माइनस, ये बाहर का इंटीग्रेशन कुछ नहीं करेंगे पर इसको एज इट इज लिखेंगे। अलबत्ता एक काम करो, अंदर जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल देना। दो चीज़ें हैं, माइनस इंटू माइनस ये मैं प्लस लिख दिया, कॉन्स्टेंट एन माइनस वन बाहर लिख दिया, कॉन्स्टेंट एन माइनस वन बाहर लिख दिए। अब क्या बचा बोलिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ये बचा हुआ है साइन पावर माइनस वन माइनस वन माइनस टू एन माइनस टू एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या लिखे हुए, माइनस कॉस एक्स है ना, यहाँ पे गलती होगी। देखो देखो एक बार रिवाइज कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन एन इन टू एक्स पावर एन माइनस वन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, इसको दो बार करना, एक बार पावर के लिहाज से एन एक्स पावर एन माइनस वन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस लिख दिया, हमें कॉन्स्टेंट बाहर डाले, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, कॉस इंटू कॉस क्या होता बोलिए, कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वेयर डीटा निकाल डालो, कॉस स्क्वेयर डीटा का फॉर्मूला भी बताया ना मैं, कॉस स्क्वेयर डीटा होता वन माइनस साइन स्क्वेयर डीटा, कॉस स्क्वेयर डीटा क्या होगा बोलिए, वन माइनस साइन स्क्वेयर डीटा। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वेयर डीटा को निकाल डालेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करो मैं, देखिए बाकी ये पूरे सीखते जाओ, इसको कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ये भी एज इट इज, इसको भी कुछ भी मत करो, सिर्फ जो चेंज करें ना उसी को बता रहा हूँ मैं, साइन पावर एन माइनस टू एक्स, अब डी बाई इंटीग सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डालो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, अपन इसको वन से मल्टीप्लाई करना फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको वन से मल्टीप्लाई करना फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, साथ में ये भी लिखना है इसको नहीं छोड़ना क्योंकि कॉन्स्टेंट दोनों के लिए बोले ऐसा ना। तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज डालो, माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू वन, उतना ही चाहता एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन माइनस टू एक्स इंटू वन, बहुत उतना ही हो गया इंटू वन, बहुत उतना ही हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर इसको साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एन माइनस वन इसके लिए भी आएंगे ना, एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन माइनस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस अब एक छोटा सा स्टेप चेंज करो मैं, ये दो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लेना, पावर्स ऐड कर तो ये माइनस टू प्लस टू चले जाता। ठीक है, वो एक चेंज करेंगे बाकी एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए इक्वल्स टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन, इसको नेक्स्ट टाइम में चेंज कर देता हूँ मैं, साइन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोग बोलिए ये क्या होगा, अगर बेसिस सेम है तो पावर साइड हो जाते एन माइनस टू प्लस टू एक्स हो जाता ए पावर एम इंटू ए पावर एन ए पावर एम प्लस एन, तो क्या होगा ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल होता है, क्या बचता साइन पावर एन एक्स बचता, जब डायरेक्ट डालो ना फिर से पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, साइन पावर एन एक्स डी एक्स। हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करें ना उसको कैसा स्टार्ट करते याद है आप लोग, क्वेश्चन स्टार्ट करते हो लेट बोल के अपन आई एन इक्वल्स टू ये सपोज कर लिए थे, थोड़ा समझा रहा हूँ मैं,
ये आई एन सपोज के लेते हैं, आई एन के आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन माइनस वन एक्स, तो उस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन आई एन। आप देखो क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट कर, इसको आई एन लिए। अच्छा सपोज ऐसा आ गया समझो आई आई एन माइनस वन, सॉरी साइन पावर एन माइनस वन, तो इसमें इसमें फ़र्क क्या है, एन के बजाय एन माइनस वन है, तो इसको बताएंगे हम आई एन माइनस वन से। सपोज ऐसा आ गया समझो साइन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, तो इसमें इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे एन है यहाँ पे एन माइनस टू, तो इसको बताएंगे हम आई एन माइनस टू से। तो उस लिहाज से आप लोग बोलिए ये हो जाएगा आई एन, ये हो जाएगा आई एन माइनस टू। अच्छा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख लो ना, स्टार्ट किससे गए थे अपन आई एन से, तो बार बार जो इक्वल टू लिखने के बाद से बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ पे लिख लो आई एन इक्वल्स टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई, कैसे लिखेंगे बोलिए, एन माइनस टू। अभी समझा ना मैं, साइन पावर एन माइनस टू, एन के लिए आई एन लिए थे तो एन माइनस टू एन से एन माइनस टू माइनस आई, साइन पावर एन को लिए थे तो आई एन। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, आई एन मालूम कर रहे हैं ना, तो ये माइनस में है ना, इसलिए इधर ला लो प्लस हुआ था, पहले से यहाँ पे एक आई एन है, ये आई एन क्योंकि मालूम कर रहे हैं, इस वजह से ये माइनस आई एन इधर ला लो, ये प्लस हो जाएगा एन माइनस वन आई एन। यहाँ पे क्या बचा लिख डालो, यहाँ पे बचा हुआ है माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। नेक्स्ट में अगर ये दोनों में से आई एन कॉमन ले लो, अगर हम आई एन कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलिए, वन बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस वन इक्वल्स टू, उसको एज इट इज लिख डालो, माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। ठीक है, अब देखो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, एन इंटू आई एन है ये, एन इंटू आई एन, ये एन मल्टीप्लाई हो रहा वो से लेकर तो डिवाइड होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, तो कैसे होंगे बोलो, आई एन इक्वल्स टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाई एन प्लस क्या लेंगे, एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। तो ये हो गया साइन का प्रूफ है ना, इसको एक दो बार अच्छा समझो आप लोग, प्रैक्टिस करो। अब इसमें से क्या करेंगे हम, फिर सेम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करना है, प्रूफ ऑफ साइन पावर फोर एक्स, साइन पावर फोर एक्स बोर्ड के ऊपर से लिखेंगे इसको इंशाल्लाह, ये फॉर्मूला यूज़ करके। अब हेंस डेड्यूस का मतलब, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू प्रूफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर फोर एक्स डी एक्स, सो लेट वी राइट दिस इन द बिगिनिंग ऑफ द बोर्ड। अब देखिए ये यूज़ करके हमको क्या प्रूफ करना है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर फोर एक्स मालूम करना है। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर फोर एक्स यानी इनके पे क्या लिखना पड़ेगा अपने, गौर से देखिए आप लोग, अगर साइन पावर फोर एक्स मालूम करना है तो इनके पे फोर एकदम साइन पावर फोर एक्स मालूम करेंगे। आप कंपेयर कर लीजिए एन की वैल्यू क्या है प्लस ऑफ फोर, एन की वैल्यू है प्लस ऑफ फोर, ये पूरे में इनके पे फोर एकदम लिया इक्वल्स टू माइनस साइन पावर एन इज फोर, फोर माइनस वन इज थ्री एक्स कॉस एक्स बाई एन इज फोर, एन इज फोर प्लस एन इज फोर, फोर माइनस वन थ्री बाई एन इज फोर आई, फोर माइनस टू इज टू। ये हम क्या करना है यहाँ पे, अभी कंप्लीट है कैसे बोलो, तो ये आई टू है ना, फिर से इसको चेंज करना, कब तक करते आना, लास्ट में आई जीरो या आई वन आना, लास्ट में आई जीरो या आई वन, इसको बोलते रिड्यूस करते आ रहे बोले सर, रिडक्शन फॉर्मूलस क्या है, रिड्यूस होते आ रहा है इसका पावर। अब फिर सेम आई टू को फॉर्मूलाइज करें, यहाँ से यहाँ तक सेम ऐसे डालो, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना। देखो इक्वल्स टू माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स बाई फोर, देखो और से सुनो, प्लस थ्री बाई फोर इंटू, फिर आई टू को फिर से सेम फॉर्मूला, अब एन के पे टू लिखना, अब ये थ्री बाई फोर के बाद आई टू के लिए सेम फॉर्मूला एन के पे टू लिखना, लेकिन ये थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई करना ना, इसलिए ब्रैकेट यूज कर लो। अब फिर से यही फॉर्मूले में हम यहाँ से यहाँ तक तो सेम लिखते हैं, ये आई टू यानी अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला बाई कीपिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू टू। अब हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एन के पे टू लिख डालेंगे, तो एन के पे अगर आप टू लिख डाले तो क्या आएगा, माइनस साइन पावर टू माइनस वन वन, वन एक्स बोलते एक्स इज होगा कॉस एक्स बाई एन की वैल्यू टू प्लस टू माइनस वन इज वन बाई टू एन के पे आई टू माइनस टू जीरो, बस आई जीरो पे उदाहरण आगे करने की जरूरत नहीं है। क्या करना बोला हमें, थ्री बाई फोर के बाद फिर सेम फॉर्मूले में अपन अब एन की जगह पे टू लिखे, ये थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद बताएंगे आई एन, पहले थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई फोर प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री बाई फोर टू ज़ा एट प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री बाई फोर टू ज़ा एट, क्या है यहाँ पे
sine x cos x plus 3 ones are 3 by 4 twos are 8 I naught. अब I naught कैसे हम करते हैं बताते हैं, मैं I naught लिख लेते इसमें खत्म हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप इंटीग्रेट I naught I n क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन एक्स डी एक्स। अब I ज़ीरो का मतलब क्या है n के पे ज़ीरो, I ज़ीरो का मतलब क्या है n के पे ज़ीरो, सो ऐसे ज़ीरो या वन तक लाए तो अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर ज़ीरो एक्स डी एक्स। अब हमारे पास बेसिक है एकदम शुरू से, पर कोई भी नंबर का पावर ज़ीरो है तो वन आता, कोई भी नंबर का पावर ज़ीरो है तो वन आता, कोई भी नंबर का पावर ज़ीरो है तो वन आता। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है एक्स। तो बस अब ये लास्ट में आई नॉट के पे एक्स लिख के प्लस सिक्स डालेंगे, इंटीग्रेट करें तो जब भी लास्ट पे क्या करेंगे प्लस सिक्स डालेंगे इसको, ठीक है। अब देर फोर इक्वल्स टू माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स बाई फोर माइनस थ्री बाई एट साइन एक्स कॉस एक्स प्लस थ्री बाई एट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट क्या गया एक्स, एक्स इंटीग्रेशन में क्या करते हैं लास्ट में प्लस सी डालो, बल्कि फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही प्लस सी लिखे तो कोई मसला नहीं, अच्छी बात ही रहती है। तो भाई ये हो गया साइन का प्रूफ इन डिटेल, वैसे कॉस का प्रूफ करेंगे, कॉस का प्रूफ मैं पूरा समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, थोड़ा लाइट कॉन्सेप्ट देते हुए मैं उसको बता देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। देखिए सेम क्वेश्चन कॉस पर एनएक्स का, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख दिया ताकि आप लोग प्रैक्टिस करना, बल्कि अगर मैं इसको सिर्फ समझाऊंगा तो टाइम प्रॉब्लम होगा, वीडियो बड़ा भी होगा तो आप लोग को बोर होगा, इसलिए जो है मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अभी बताया था ना सबसे पहले पावर एन है तो इसको एक कम करना, एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स, सेम एग्जैक्ट प्रूफ है। अब ये फॉर्म लगाया था ना एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मैं डायरेक्ट डाला और से देखिए एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। आप बोलिए इसको एज इट इज लिख डालो, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स मालूम हमको साइन एक्स है इसलिए साइन एक्स। अब यहाँ पे बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं बताया था ना पहले पावर क्लास से करना, इसको एक्स पावर एम समझो, एक्स पावर एन होता एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, फिर पावर छोड़ा लो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज लिख डालो, आखिर तक इसको कुछ चेंज करना नहीं है, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट एन माइनस वन बाहर डालो, कॉस पावर एन माइनस वन माइनस टू एक्स साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट टाइम में जो चेंज करें ना वही बताते जाऊँगा मैं, पूरा नहीं देखेंगे पर साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लो, साइन स्क्वायर एक्स हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी ये पूरा स्टेप ऐसे डाले। अब इसको वन से मल्टीप्लाई करना फिर कॉस स्क्वायर से, साथ में ये भी लिखना देखिए एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर एन माइनस टू एक्स इंटू वन, वो तो उतने हो जाएंगे माइनस है ना इसलिए माइनस, फिर एन माइनस वन कॉस पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा एक्स्टेप यहाँ पे रोक डाला, इससे पहले एक्स्टेप ज़्यादा लिखा था, फिर ये बोलो क्या होंगे ये आई एन माइनस टू आता नहीं, एन है तो आई एन, एन माइनस टू है ना तो आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू, फिर एक बार देख लो आई एन रहेगा एन रहा तो, अगर एन माइनस टू है तो आई एन माइनस टू। अब यहाँ पे बोलिए भाई आप कॉस पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेसिस सेम है तो पावर से ऐड हो जाते तो क्या होएगा कॉस पावर एन माइनस टू प्लस टू एक्स, माइनस टू प्लस टू क्या आंसर कॉस पावर एन हो गया, तो कॉस पावर एन एक्स समझो इसको, कॉस पावर एन एक्स को क्या लेते हम आई एन लेते इसलिए इसको आई एन निकालो हम, क्योंकि आई एन मालूम कर रहे हैं इस वह माइनस आई एन का उधर लेके चले आना, कैसे करेंगे देखिए आप लोग ऑलरेडी आई एन सपोज करके जा रहे थे हम, अब क्योंकि आई एन मालूम करना है यहाँ पे एक आई एन है यहाँ पे एक आई एन है, ये माइनस का टर्म इधर ला लो ये प्लस हो गया, ये माइनस का टर्म इधर ला लो ये प्लस हो गया। अब ये दो आई एन में से आई एन कॉमन ले लो, अब ये दो आई एन में से आई एन कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस यहाँ पे बचेगा एन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ये एन मल्टीप्लाई हो रहा। अब ये एन वो से लेके तो क्या हो जाएगा डिवाइड होएगा, इसको अलग से डिवाइड कर दो इसको अलग से, ये एन यहाँ पे ला के डिवाइड कर दिए दोनों को ख़त्म। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर एन एक्स का प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ सही है। अब ये यूज़ करके उन क्या पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस पावर फाइव एक्स, यानी एन के पे क्या होता है आप कंपेयर करके देखो एन की वैल्यू क्या होता है सब फाइव, तो पूरे में एन के पे फाइव डालो, फाइव माइनस वन फोर एक्स एन के पे फाइव, फाइव माइनस वन फोर बाई एन के पे फाइव, फाइव माइनस टू थ्री, मैं क्या बोला ये आई थ्री पे रोक नहीं सकते हम, इसको रिड्यूस करते आना कब तक करना, या तो आई वन आना लास्ट पे या आई जीरो, फिर क्या करना आप नेक्स्ट टाइम यहाँ तक एज इट इज लिख लेके फिर आई थ्री के लिए फिर से ये फॉर्मूले में एन के पे थ्री,
यहाँ से यहाँ तक सेम एज इट इज निकले गए, फिर i3 के लिए ये फॉर्मूले में, फिर n के पे 3, देखो ये एज इट इज डाला मैं, कॉस पावर 4x साइन एक्स बाई प्लस 4/5 के बाद ब्रैकेट यूज करो क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। i3 आने फिर n के पे 3 लिखो, 3 - 1 2x साइन एक्स बाई 3, एन के पे 3 लिखे तो 3 - 1 2/3, आई 3 - 2 1 हो गया। अब यहाँ पे i1 मान कर सकते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 × cos 5 3 = 15, 4/15 cos² sin x, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15 i1। i1 कैसे ऑन करेंगे यहाँ साइड में बता रहा हूँ मैं, in क्या है अपने पास, in की वैल्यू है cos पावर एन एक्स, i1 यानी cos पावर 1x, i1 यानी इनके पे 1 डालो cos पावर 1x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, तो in की वैल्यू sin x, सॉरी in की वैल्यू क्या आएंगे अपने पास, in की वैल्यू आएंगी sin x, तो in यानी i1 की वैल्यू sin x, और प्लस सी तो लिखना है अपने को इसलिए प्लस सी। तो ये हो गया भाई अल्लाह के फसल हमारे पास आज क्या है, कॉस एक्स और साइन एक्स के रिडक्शन फॉर्मूलेस के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीकेंट एक्स और टैन एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स चार के चार इंशाल्लाह एक साथ कर लेंगे, क्योंकि पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये रिडक्शन फॉर्मूलेस के और चार प्रूफ्स करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोग को समझ में आया तो आप लोग से गुजारिश है भाई ये चैनल को सब्सक्राइब करिए है ना, और अपने दोस्तों को कॉलेजेस के अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, और लिंक्स अपने ग्रुप्स में भेजाइए ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो, है ना, और शेयर भी करिए लाइक भी करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करिए।